हमारी बॉडी में टोटली 3 किडनी होती हैं। 2 तो किडनी के नाम से पहचानी जाती हैं, जिसको किडनी नाम दिया गया। तीसरी का नाम चिड़िया, तोते, कबूतर, कुत्ता, बिल्ली, गाय सब कम खाना खाते हैं, क्योंकि आज सूरज नहीं उगेगा या कम उगेगा तो मेरी बॉडी में डाइजेशन जूसेस भी कम आएंगे। तो जैसे, लेकिन आप लोगों क्या है, आज बारिश का मौसम है, पकोड़े बनाए, कचौड़ी खाए। हम लोग उल्टे हैं, चिड़िया, कबूतर, तोते, कुत्ता, बिल्ली, गाय, गधा, घोड़ा सब सयाने हैं, वो उस दिन खाएंगे नहीं, लेकिन आपको उस दिन डबल चाहिए। फिर इसीलिए हॉस्पिटलों में भीड़ है। तो मुझे 2-3 चीजें बतानी है। नंबर 1, जिनका भी किडनी का प्रॉब्लम है उन सबका DTPA स्कैन होगा, ठीक है, और 3 महीने बाद दोबारा करवाना है, क्योंकि हम चाहते हैं आप सब अपनी किडनी को ग्रो करता हुआ देखो। आप सब लोग अपनी किडनी को खुद वापस जिंदा होते हुए, ग्रो करते हुए, वापस नॉर्मल होते हुए देखो, क्योंकि अभी वो किडनी या तो सिकड़ी हुई है या फूली हुई है या उसमें सिस्ट है या उसमें टॉक्सिन्स हैं या उसमें कैंसर है या उसमें स्टोन है। बेसिकली किडनी की प्रॉब्लम की शुरुआत यहीं से होती है। तो एक ही टेस्ट है पूरी दुनिया में जिससे पता लगता है किडनी का साइज। सबसे बड़ी बात उसमें पता लगता है लेफ्ट किडनी कितना काम कर रही है, राइट किडनी कितना काम कर रही है, मतलब स्प्लिट फंक्शन। दूसरा साइज, तीसरा उसकी फंक्शनिंग, और उसका 1 मिनट में वो कितना ब्लड खून साफ कर रही है, लगभग 100 से 120 ml। तो 1 मिनट में कितना हो गया, 7200 ml अप्रोक्सीमेट मान लो, यानी कि 7000 ml। कितना हो गया अब ये, लगभग 6 से 7 लीटर। और जो काम किडनी करती है, जो हमारी बॉडी में टोटली 3 किडनी होती हैं, 2 तो किडनी के नाम से पहचानी जाती हैं, जिसको किडनी नाम दिया गया, तीसरी को नाम किडनी नहीं है, तीसरी का नाम स्किन है, त्वचा। ये हमारी तीसरी किडनी है और सबसे बड़ी किडनी है। अगर आप अपने पसीने को और अपने यूरिन को लेबोरेटरी में दोगे, दोनों का केमिकल कंपोजिशन आर सेम, यानी कि जब आपकी वो 2 किडनियां सप्रेस होती हैं तो आप अपनी तीसरी किडनी से काम लेना शुरू कर दो, जिसको हम बोलते हैं स्किन, त्वचा। इसीलिए जब आप लोग हॉट वाटर इमर्शन करते हो, टब में बैठते हो, तो पसीना निकलता है, तो आपकी तीसरी किडनी काम करना शुरू कर देती है। जब आप टब में बैठते हो, वजन तोलते हो, आज कितने लोग टब में बैठे हैं, जब आपने टब में बैठे थे वजन तोला था, तो जब निकले थे कितना था, 1 किलो कम हो गया। हाँ, अच्छा वो 1 किलो क्या गया, खड़े हो आप में तो है भी नहीं, क्या निकल गया होगा, यही इनको नहीं पता, लेकिन बॉडी को पता है। आपका अभी आपको यूरिन कम आएगा, क्योंकि कुछ यूरिन जो उधर से निकलना था वो इधर से निकल गया। दूसरा, आपकी बॉडी में कुछ भी बॉडी को वेस्ट मिला, बॉडी ने उठा के उसको बाहर निकाल दिया। आप शाम को चेक करोगे, वजन फिर बराबर होगा या 100-200 ग्राम 300 ग्राम पहले से कम होगा, लेकिन बॉडी अपने आप सेटल करेगी। बॉडी इतनी सयानी है कि जो चाहिए उसको अपने आप निकाल देती है। भाई राजीव दीक्षित जी के भारत को विश्व गुरु बनाने के सपने को पूरा करने के प्रयास में एशिया का पहला 1000 बेड का इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल शुद्धिग्राम हिम्स दिल्ली NCR मेरठ में खुल चुका है। इसके अलावा चंडीगढ़, डेराबसी, नवी मुंबई, लखनऊ, गुरुग्राम, अमृतसर, दिल्ली, लुधियाना और देश के अन्य कई स्थानों पर भी हिम्स अपनी सेवाएं दे रहा है। हर किडनी फेल पेशेंट, लिवर पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक ये वीडियो पहुंचाकर आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए।